हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विजन यूपीपीएससी चैनल में। मेरा नाम है शिवम चहल। दोस्तों, इस वीडियो में हम जनगणना से संबंधित जो पूर्व में प्रश्न आए हैं उनको देखेंगे। इम्पॉर्टेंट हैं और बहुत बार जो है यही क्वेश्चन जो है रिपीट किए जाते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। पुरुष व महिला साक्षरता में सर्वाधिक जो वृद्धि है उसका जो अंतर है वो क्या है? तो देखिए, टोटल जो है वो है 67.7%, ठीक है, एजुकेशन। इसमें मेल जो है वो 77.3% और फीमेल जो है 57.2% है, ठीक है। तो यहाँ पर 20% का गैप जो है वो चला जाता है। भारत की प्रजनन जो दर है वो है 2.4 और यूपी की जो है वो है 2.6। भारत का सर्वाधिक आबादी वाला जो द्वीप है वो है मुंबई, जैसे सेलसेट जो द्वीप है उस पे जो है मुंबई बसा हुआ है, तो सेलसेट करके आपके ऑप्शन में आएगा। स्त्री पुरुष साक्षरता में न्यूनतम अंतर कहाँ पर है, ठीक है, मेल और फीमेल की एजुकेशन में सबसे कम जो अंतर है वो है मेघालय में। वरिष्ठ आयु निर्भरता है देश पे 14.2%। कृषि में विनियोजित ग्रामीण परिवार हैं 57%। 2011 के 10 लाख शहर में अंतिम शहर, ठीक है, यहाँ पर जो शहरों की संख्या है दोस्तों वो है 53 और 53 में कोटा जो है वो लास्ट सिटी है, ठीक है। इस 10 लाख की शहर में जो सबसे कम जनसंख्या है वो कोटा की है। उसके बाद में 2011 में सर्वाधिक साक्षरता जो वृद्धि दर रही है वो किस देश की रही, वो सॉरी किस राज्य की रही, वो बिहार की रही है। अब देखिए, एजुकेशन जहाँ सबसे कम होगी, ठीक है, तो पढ़ने का जो परसेंटेज होगा उसी राज्य का होगा, ठीक है। तो इसीलिए बिहार में जो वृद्धि देखी गई वो सर्वाधिक जो है वो बिहार की रही। जैसे जीडीपी का जैसे काउंट किया जाता है, जैसे इंडिया की जीडीपी है, ठीक है, तो हमारी ना तो भी चाइना के इतने मुकाबले चल रही है, ना हमारी जो है यूएस के आसपास भी नहीं है। तो यूएस की जीडीपी बढ़ती है 1% या 0.5% या 2% और इंडिया की जो है सीधे सीधे 6.5 और 7% बढ़ती है। तो ऐसा नहीं है कि इंडिया की ज़्यादा बढ़ती है तो इंडिया की जो है सबसे बड़ी जीडीपी हो गई। तो इसी तरह सेम जो रूल है वो इस पे एजुकेशन पे भी है कि जहाँ पर अच्छी एजुकेशन मतलब पहले से ही परसेंटेज अच्छा खासा है उनका, तो उनमें तो बहुत 1-2% की बढ़ावा होगा, लेकिन बिहार में बढ़ता होगा सीधे 10% या 15%, ठीक है। भारत में 20 वर्ष से अधिक जो लोग हैं उनकी परसेंटेज कितनी है, ठीक है, तो 59.29% जो लोग हैं वो 20 वर्ष से अधिक हैं। यूपी का जो लिंगानुपात है वो है 912। सर्वाधिक जनघनत्व किस राज्य का है, बिहार का है। जनगणना 2011 में शिशु मृत्यु न्यूनतम जो है वो है केरल की। मध्यम उद्यम जो होते हैं उनकी जो कितने से कितने का जो है काउंट किया जाता है ये है, तो 5 करोड़ से लेके 10 करोड़ के जो है वो मीडियम इंटरप्राइज में आते हैं ये। अल्पसंख्यक जो दिवस है मनाया जाता है 18 दिसंबर को। एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। पशु दिवस मनाया जाता है 4 अक्टूबर को और विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। यूपी साक्षरता दर जो है यूपी की वो है 67.68%। पूर्वी एशिया में सर्वाधिक घनी आबादी जो है वो है साउथ कोरिया की, ठीक है। किस केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम ग्राम है, ठीक है, सबसे कम ग्राम जो है किस केंद्र शासित प्रदेश में है, तो वो दमन द्वीप में है। यूपी का आंकड़ा आप देख लेते हैं, यूपी का जो जनघनत्व है वो है 829। 2001 से 2011 के बीच में बड़ी जनसंख्या है यूपी की वो है 20.23%। महिला साक्षरता दर जो है वो है 57.18%। देश की जनसंख्या का यूपी में जो परसेंटेज है वो है 16.51%, ठीक है, 16.5%, ठीक है। यूपी की सबसे बड़ी जनजाति जो है वो थारू, गीडा, गीडा GIDA, गीडा क्या है, तो यह है गोरखपुर औद्योगिक विकास, ठीक है। केंद्रीय ग्लास व सिरेमिक अनुसंधान संस्थान कहाँ है, ये खुर्जा में है, खुर्जा अलीगढ़ में पड़ता है, ठीक है। 2011 जनगणना स्लोगन जो है वो है आवर सेंसस आवर फ्यूचर, जो कि रिपीटेड जो अभी आस्ट जो हमारा सबसे लेटेस्ट एग्जाम हुआ है
यूपीपीसीएस का, उसमें भी ये पूछा गया है। नगरीकरण का क्रम घटते क्रम में हम देखेंगे 2011 के अनुसार, तो गोवा जो है नंबर वन पे है, और उसके सॉरी गोवा से घटने का क्रम शुरू होता है, तो गोवा, मिजोरम, तमिलनाडु और केरला, ठीक है। नगरीकरण का जो क्रम है वो घटते क्रम में, यानी गोवा में सबसे ज़्यादा नगरीकरण, उसके बाद मिजोरम में, उसके बाद तमिलनाडु में, देन उसके बाद में केरला का नंबर आता है। यहाँ देख लेते हैं, जो कैलाश मेला है वो होता है आगरा में, नौचंदी जो मेला है वो होता है मेरठ में, कालिंजर का जो मेला है वो होता है बांदा में, और सोरो का जो मेला है वो एटा में होता है। मिर्जापुर किस लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों मिर्जापुर जो है कजरी के लिए प्रसिद्ध है, कालीन के लिए भदोही जो है वो प्रसिद्ध है, तेल शोधन के लिए मथुरा प्रसिद्ध है, बिरजू महाराज का संबंध है कत्थक से, आल्हा जो है वो महोबा, और अमजद अली का जो है संबंध है सरोद वादक थे ये, ठीक है। किस राज्य में एक भी 10 लाखी शहर नहीं है? उड़ीसा ऐसा राज्य है जहां पर किसी भी शहर की जनसंख्या इतनी नहीं है कि वहां की जो संख्या हो वो 10 लाख हो। तो उड़ीसा में एक भी 10 लाखी शहर नहीं है। कई जो राज्य थे उनके ऑप्शंस दिए थे, तो उड़ीसा भी उसमें था, जैसे उसमें जम्मू कश्मीर का ऑप्शन था, जबकि जम्मू कश्मीर में 10 लाख की जनसंख्या है। भारत की जनसंख्या विश्व की कितनी है? ठीक है, भारत की जो जनसंख्या है वो विश्व की कितनी है? 17.31। और मैंने आपको बताया था कि यूपी में भारत की कितनी संख्या रहती है, ठीक है, यूपी में जो भारत की कुल जनसंख्या का कितना परसेंट है, तो वो है 16.5, ठीक है, एक तरह से 16.51% है। और जो विश्व की भारत में कितनी रहती है, ये है 17.31। तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये जो है पूछे जाते हैं। उसके बाद देख लेते हैं, 2001 से 2011 के बीच देश की जो जनसंख्या है वो बढ़ी कितनी? ठीक है, तो ये बनी है, बढ़ी है 17.78। इंपॉर्टेंट है 17.78 जो है 2001 से लेके 2011 के बीच में बढ़ी, यानी कि एक तरह से देखा जाए तो दशकीय वृद्धि दर क्या रही भारत की, तो भारत की जो दशकीय वृद्धि दर है वो 17.78 है। मृत्यु गणना किस राज्य से जो है मृत्यु गणना स्टार्ट की गई, कहाँ से जो है स्टार्ट होना शुरू हुई? तो मृत्यु गणना की शुरुआत की गई है कर्नाटका से, ठीक है, कर्नाटका ने पहली बार जो है मृत्यु गणना कराई थी अपने यहाँ। कनाडा, फ्रांस, रूस, नॉर्वे में सबसे कम जनघनत्व किस देश का है? ठीक है, कनाडा, फ्रांस, रूस और नॉर्वे में, तो याद रखिए कनाडा में जो है सबसे कम जनसंख्या घनत्व है, रशिया बड़ा है, ठीक है, तो दिमाग में यही चलता है कई बार कि रशिया इसका आंसर होगा, तो याद रखिए रूस नहीं है, कनाडा है आंसर इसका। दक्षिण एशिया में सर्वाधिक वृद्ध जो जनसंख्या है वो किस देश में है? तो ये जनसंख्या जो है वो श्रीलंका में सबसे ज्यादा है। अब इसके बाद देख लेते हैं, कम जनघनत्व, सबसे कम जनघनत्व जो है वो है अरुणाचल प्रदेश में, सबसे अधिक जनघनत्व जहाँ है वो है न्यू दिल्ली यानी दिल्ली, सर्वाधिक शहरीकृत राज्य जो है वो है तमिलनाडु, अधिकतम शहरी आबादी वाला राज्य, अधिकतम शहरी आबादी वाला जो राज्य है वो है महाराष्ट्र, सर्वाधिक शहरीकृत राज्य तमिलनाडु, जबकि अधिकतम शहरी आबादी वाला जो राज्य है वो है महाराष्ट्र। दोनों में डिफरेंस है और ये क्वेश्चन जो है कई बार लगातार जो है वो पूछे गए हैं। तो दोस्तों इसमें हमने कवर किया है जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं उनको, ठीक है, वो उनको देखा गया है, और ऐसा नहीं है कि ये मतलब यही सारे बार बार पूछे जाते हैं, और भी पूछे जाते हैं, तो उसके ऊपर मैं जो है अलग से वीडियो बना दूंगा। मेन फोकस ये था कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर पूछे गए क्वेश्चन आए हैं वो किस तरह से आते हैं, ठीक है, तो आप इनको देख लें। जो लोग पहली बार ये एग्जाम दे रहे हैं, कम से कम एक आइडिया लग जाएगा देने एग्जाम से पहले कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो ये पिछले कई 4-5 एग्जाम हुए, एक एग्जाम में तो इतना क्वेश्चन नहीं आता है जनगणना का, तो समझ लीजिए हर पेपर में 4 से 5 आता है, तो करीब ये 10 पेपर का समावेशन है, ठीक है, 10 पेपरों में से मैंने इसको इकट्ठा किया है, और जहां पर ये क्वेश्चन पूछे, उम्मीद तो रहती है कि 2-3 क्वेश्चन आते हैं तो ज्यादातर इसमें से फंस जाता है, ठीक है, तो इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए।
और इसको जो है हम एक बार फिर से मैं इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा, तो उसमें जो है हमारा आसानी से ये खत्म हो जाएगा। थैंक यू।